हेलो गाइस, दिस इज उमर, योर फिजिक्स फैकल्टी. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. योर फैमिली, योर फ्रेंड्स आर सेफ, यू आर सेफ. तो यार, लेट्स जंप राइट इन टू वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर. जैसा कि आपको पता है, एक हमारी फिजिक्स की क्लास हो चुकी है, जहाँ पे हमने जनरल टिप्स 10th क्लास की, हमारा फिजिक्स का सिलेबस, इलेक्ट्रिसिटी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने चार्जेस, जो हमारा पहला पोर्शन है, वो स्टार्ट किया था. एक क्विक रीकैप हम ले लेते हैं, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, और आज का जो भी हमारी पढ़ाई है वो पिछली क्लास के ऊपर बिल्ड होगा. जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, इस चैप्टर में सब कुछ रिलेटेड है जो कि आप पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में पढ़ोगे. यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दी प्रीवियस वीडियो. इफ़ बाई एनी चांस यू मिस इट इन द प्रीमियर, वी रिकमेंड यू वॉच इट इन द प्रीमियर. मिस कर देते हो तो मेक इट अ पॉइंट, मेक श्योर कि अगली क्लास के पहले पिछली क्लास तुम देख चुके हो, यू हैव रिवाइज्ड इट, यू हैव मेड नोट्स ऑफ इट, राइट. तो जैसा कि हमने देखा था कि चार्जेस जो हैं वो किसी भी मटीरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर मैं एटॉमिक लेवल पे बात करूं या एक क्रूड बात करूं तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट. एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज कौन देता है मुझे? इलेक्ट्रॉन, वेरी करेक्ट. और कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? वी डिस्कस्ड इट, राइट. अ नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन. And the charge on it is negative 1.6 into 10 raised to power minus 19. Unit क्या होता है? Unit लिखना नहीं भूलना. Coulomb, given after the name of a scientist, denoted by not small but capital C. Positive charge atom में कौन देता है हमें? Proton. कितना charge होता है? Same as electron. अलग से याद नहीं करना, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव. 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 पॉजिटिव कूलम विद अ सी, विद अ कैपिटल सी, राइट. तो चार्जेस की हम बात अगर आगे बढ़ाएं तो हमने क्या पढ़ा उसके बाद कि कोई भी अगर चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी बेसिकली चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. क्या है पहली प्रॉपर्टी? रिवाइज किया है, गुड. पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड. याद आया? अ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, विच मीन्स अ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. प्रॉपर्टी नंबर वन डन. प्रॉपर्टी नंबर टू क्या पढ़ी थी हमने? यस, मैग्नेट वाली एग्जाम्पल याद है? मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पास में रखेंगे तो रिपल्शन होगा. मैग्नेट का साउथ दूसरे मैग्नेट का साउथ पास में रखेंगे तो रिपल्शन होगा. मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट का साउथ पास में रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा. सेम गोज विथ चार्जेस. लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपेल ईच अदर. लाइक चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल ईच अदर. Unlike charges, positive, negative attract each other. Clear? Like charges repel each other. Unlike charges attract each other. Third property kya thi? Charges are added algebraically. Ek question deta hu, paper pe karne ki zarurat nahi hai, orally karke mujhe batao. I am giving you 10 seconds, okay? एक जिस भी कमरे में तुम बैठे हो, जहाँ पे भी तुम बैठे हो, लेट से वहाँ पे 1000 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 500 नेगेटिव चार्जेस हैं. 1000 कूलम पॉजिटिव चार्ज, 500 कूलम नेगेटिव चार्ज. उस रूम में नेट चार्ज कितना होगा? इफेक्टिव नेट चार्ज कितना होगा उस रूम में? 10 सेकेंड्स. आई होप सबका आंसर आ चुका होगा. 10 सेकेंड की भी ज़रूरत नहीं है, 3 सेकेंड का क्वेश्चन है. 1000 पॉजिटिव चार्ज, 500 नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज कितना? 500 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज. यस, सबका यही आंसर आया. कैसे निकाला होगा?
100 कूलम पॉजिटिव चार्ज, 1000 कूलम सॉरी पॉजिटिव चार्ज, माइनस 500 कूलम नेगेटिव चार्ज, कितना देता है ये? 500 कूलम पॉजिटिव चार्ज देता है या नहीं देता? सबने मेंटली किया, बट पेपर पे करेंगे तो कैसा? प्लस 1000 माइनस 500, ये सेम अलजेब्रा के रूल्स के हिसाब से हुआ है या नहीं जो हमने फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा है? दैट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर एडेड अलजेब्रिकली। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? यूनिक प्रॉपर्टी है, शायद पहले कभी सुना नहीं हो। एग्जाम्पल याद है हमने क्या किया था? स्टेप्स वाला, या तो आप पहले स्टेप पे होगे, या तो सेकंड पे होगे, या तो थर्ड पे होगे, या तो फोर्थ पे होगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात आई समझ? अगर तुम इन दो स्टेप्स के बीच में हो, मतलब तुम अनस्टेबल हो, तुम वहाँ पे रह नहीं सकते। स्टेबल फॉर्म तुम्हारा कहाँ होगा? या तो तुम स्टेप वन पे हो, या तो तुम स्टेप टू पे हो, या तो तुम स्टेप थ्री पे हो। बात आई समझ? इसी चीज़ को इंग्लिश में या फिजिक्स के टर्म्स में हम बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी का एग्जिस्ट नहीं करना। मतलब स्टेप नंबर वन एग्जिस्ट करता है, स्टेप नंबर 1.5 एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेप नंबर टू एग्जिस्ट करता है, स्टेप नंबर 2.5 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मेरा एक क्वांटम, एक पैकेट की बात करें, एक सबसे छोटे यूनिट की बात करें इस एग्जाम्पल में, तो वो क्या होगी? एक स्टेप, ठीक है। उसका अगला यूनिट क्या होगा? उसका दुगना, दो स्टेप। उसका अगला कितना होगा? उसका तिगना, थ्री टाइम्स, थ्री स्टेप्स। मतलब स्टेप्स जो हैं मेरे वो किसके मल्टीपल में है? वन के मल्टीपल में है, 1, 2, 3। मतलब ये या तो होल नंबर हैं या नेचुरल नंबर्स हैं। जीरो स्टेप भी पॉसिबल है, राइट? तो जीरो स्टेप, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर स्टेप, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप बात समझ आ रही होगी। अगर मैं यही चीज़ तुम्हें बोलूँ कि चार्जेस के टर्म्स में मुझे बताना है, तो तुम कैसे बताओगे? मिनिमम नेगेटिव चार्ज कितना होता है जो सबसे छोटी नेगेटिव एंटिटी पे एग्जिस्ट करे? सबसे छोटी नेगेटिव एंटिटी कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन। मतलब मिनिमम नेगेटिव चार्ज कितना होगा जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है? कितना होता है? अभी लिखा था, आई होप सबको याद होगा, कॉपी में लिख लिया होगा। -1.6 × 10⁻¹⁹ यूनिट क्या है? कूलम। तो मिनिमम नेगेटिव चार्ज है मेरा -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, इसका दो गुना, मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन। स्टेप नंबर टू मतलब क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। बात आई समझ? या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो होंगे, या तीन होंगे, या चार होंगे। जैसे कि स्टेप मेरी या तो एक होगी, या दो होंगी, या तीन होंगी, या चार होंगी। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज इतना है, तो दो पे कितना होगा? सब इंटेलिजेंट हैं, सब समझदार हैं, सब 10th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हैं। इसका 2 times, 1.6 का 2 times होता है 3.2। कैसे किया मैंने? 16 का 2 times कितना होता है? 32। एक डेसिमल यहाँ पे था, तो 32 में एक डेसिमल लगा देंगे, 3.2। पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। तीन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार पे कितना होगा? 6.4, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब नेगेटिव चार्ज या तो इतना होगा, या इतना होगा, या इतना होगा, या इतना होगा, या इतना होगा। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, ठीक है? पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में सब लोग सोचें, कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें और मुझे आंसर दें। इट विल टेक यू 2 seconds। इज इट पॉसिबल फॉर अ चार्ज ऑफ -2 × 10⁻¹⁹ कूलम टू एग्जिस्ट?
आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स. ओके, इज इट पॉसिबल फॉर द चार्ज ऑफ -2 × 10⁻¹⁹ कूलम टू एग्जिस्ट? डन, सोच लिया? वेरी गुड. आई होप सभी का आंसर आया होगा. नो, इट इज नॉट पॉसिबल एज पर दी प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? इतना, उसके बाद इतना नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है. -2, 1.6 और 3.2 के बीच में है, मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. सिमिलर क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर द चार्ज ऑफ -4 × 10⁻¹⁹ कूलम टू एग्जिस्ट? द आंसर वुड अगेन बी नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चार्ज या तो होगा -3.2 × 10⁻¹⁹ या तो चार्ज इतना होगा. इसके बीच में कोई भी नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब -4 × 10⁻¹⁹ कूलम विल नॉट एग्जिस्ट. द सेम स्टोरी गोज विद द पॉजिटिव चार्जेस, राइट? समझ आ रहा होगा. अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इतना चार्ज होता है, दो इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इतना होता है, तीन इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इतना होता है. अगर मैं प्रोटॉन की बात करने लगूँ तो क्या होगा? इफ आई टॉक अबाउट प्रोटॉन्स, वॉट वुड बी द स्टोरी? 1 proton, 2 protons, 3 protons, 4 protons, so on and so forth. क्योंकि मुझे पता है प्रोटॉन को मैं फर्दर स्टेबली ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तो या तो एक प्रोटॉन होगा या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे या पांच होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दो पे होगा +3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. माई क्वेश्चन गोज ऑन अगेन, इज इट पॉसिबल फॉर अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ +2 × 10⁻¹⁹ कूलम टू एग्जिस्ट इन एन एटम? वॉट इज द आंसर? या सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज द चार्ज वुड बी आइदर इतना और इतना, इनके बीच का चार्ज इज नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट. बात आ रही है समझ? गुड. इज इट पॉसिबल फॉर द चार्ज ऑफ +4 × 10⁻¹⁹ कूलम टू एग्जिस्ट? द आंसर इज अगेन नो. यू नो द रीजन वेरी वेल. नाउ ऑन द सेम लाइन्स, देखो फिजिक्स में 10th में 11th में 12th में MSc BSc जो लेते हो फिजिक्स में, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर तुम्हें लॉजिक समझ आ गया है तो यू कैन डिराइव योर ओन फार्मूला, यू डोंट हैव टू क्रैम इट. फॉर एग्जांपल, अभी हमने क्या पढ़ा? या तो चार्ज होगा एक प्रोटॉन के बराबर या दो के बराबर या तीन के बराबर. पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव की करें तो एक इलेक्ट्रॉन के या दो के या तीन के. बात आई समझ? इन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव. अगर दो आ जाएं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, +4 proton − 4 negative charge, that is given by an electron. थर्ड पे आपको पता है कितना होगा? +4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम. क्या समझ आता है यहाँ से? जो भी चार्जेस हैं वो इसके मल्टीपल्स में हैं. मल्टीपल का मतलब पता है? मैथ्स में पढ़ा होगा. नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ. मल्टीपल मतलब एक क्वांटिटी, उसका अगला मल्टीपल मतलब उसका दुगना,
उसका अगला मल्टीपल मतलब उसका 3 टाइम्स, उसका अगला मल्टीपल मतलब उसका 4 टाइम्स। बात आई समझ? तो अगर मैं ये वाले चार्ज को ई से डिनोट कर दूं, स्मॉल ई, ठीक है, तो नेट चार्ज मेरा किसी भी बॉडी पे कितना हो जाएगा? प्लस माइनस एन ई। ये फॉर्मूले की बात की थी लास्ट टाइम वीडियो रैप करते टाइम। क्यू नेट चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर यही होता है ना, 1, 2, 3, 4, 0। तो एन पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, प्लस माइनस डिनोट करता है पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, एन डिनोट करता है ये क्वांटिटी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर इसका देखते हैं ये फॉर्मूला हमने सही लिखा है या नहीं, लेट से मुझे देखना है चार्ज ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा साइन लेंगे? नेगेटिव। एन की जगह 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या पुट करेंगे? क्यू इज इक्वल टू -1 × ई की वैल्यू कितनी? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इतना ही होता है या नहीं होता? करेक्ट। लेट से वी वॉन्ट टू फाइंड चार्ज बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यू इज इक्वल टू माइनस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टू ई 1.6 × 10⁻¹⁹। क्यू इज इक्वल टू -2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। 3.−3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। बात आ रही है समझ? तो ये जेनेरिक फॉर्मूला है, इससे क्वांटाइजेशन के चार्जेस के मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई इज द चार्ज ऑन, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, कितना? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एन इज द नंबर दैट वी आर लुकिंग एट, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। प्लस इज यूज फॉर पॉजिटिव चार्ज, माइनस इज यूज फॉर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? आगे बढ़ें। चार्ज इससे ज़्यादा तुम्हें ना NTSC में चाहिए ना बोर्ड में चाहिए। 11th 12th IIT JEE नीट के लिए ये तुम्हारा फाउंडेशन है। जो भी तुम्हारे टीचर आएंगे 11th 12th में, इसके ऊपर तुम्हारा फाउंडेशन बनाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। 10th की किसी भी रिफ्रेशर में इतने डिटेल में तुम्हें समझाने को नहीं मिलेगा ही है। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा आज, विच आई फॉरगॉट इन द लास्ट क्लास, वॉज इन दिस कोर्स, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक, फिर जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, वी कवर 3 to 4 रिफ्रेशर्स, वी कवर द NCERT, वी कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। बात आई समझ? तो कई लोगों को टेंशन रहता है पढ़ाई शुरू करने से पहले ही, तुम्हें चैप्टर का नाम भी नहीं पता, तुम्हें सिलेबस भी नहीं पता, लेकिन मैं कौन सी रिफ्रेशर लूँ, विच रिफ्रेशर शुड आई लुक एट, तो वो टेंशन अभी थोड़े दिनों के लिए हटा दो। जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं, जब तक तुम लोग देख रहे हो, डू नॉट वरी अबाउट द रिफ्रेशर्स। व्हेन वील बी रैपिंग अप दिस ऑनलाइन क्लासेस, आई लेट यू नो कौन सी रिफ्रेशर अच्छी है। स्टिल इफ यू वॉन्ट टू गो आउट फॉर द रिफ्रेशर, अगर आपको मिल रही है वो, तो गो फॉर HC वर्मा राइट नाउ। HC वर्मा फॉर 11th एंड 12th इज फैंटेस्टिक, इवन फॉर 9th एंड 10th द HC वर्मा इज गुड। अभी HC वर्मा पढ़ना शुरू करो। वैसे HC वर्मा पूरा हम कवर करेंगे। स्टिल इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ बुक, यू कैन गो फॉर HC वर्मा। प्लस रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT, डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ NCERT। 10th और 12th बोर्ड की सबसे बड़ी बात क्या है कि बोर्ड कौन कंडक्ट करता है? CBSE करता है। NCERT पब्लिश कौन करता है? CBSE करता है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बाइबल तुम्हारी, गॉस्पिल तुम्हारा कौन है? NCERT टेक्स्ट बुक। NCERT की यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल लाइन। अगर तुम अपने
इलेवन ट्वेल्थ की फैकल्टी से बात करोगे जो IIT JEE मेंस और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, तो दे टेल यू कि अब इन एग्जाम्स में भी NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं उनका नंबर हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग ऑफ दी ओवर द ईयर्स। तो NCERT हमारा 10th 11th 12th में बाइबल है, उसके ऊपर रिफ्रेशर को हम बिल्डअप करते जाएंगे। उल्टा हमें शुरू नहीं करना रिफ्रेशर देन NCERT, वी फर्स्ट लुक एट NCERT देन वी ग्रेजुअली स्टेप अप। बात आई समझ? इसका मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, आई विल गिव यू 1 मिनट, उसके बाद हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, आई होप सब लोग सुन रहे होंगे, सबकी कॉपी पेन तैयार होगा, नहीं है तो कर लो। आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन, प्लीज राइट इट। इट्स ऑल्सो गिवन इन NCERT, इट हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन द बोर्ड बिफोर, इट कैन ऑल्सो कम इन NTSC एंड अदर एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन इज कैलकुलेट दी अमाउंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज। दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। यू हैव 1 मिनट फ्रॉम नाउ ऑन, एग्जैक्टली 1 मिनट। एवरी वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट, गो ऑन। आई होप एवरी वन इज अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एंड इट मस्ट बी डन ऑल्सो। आंसर सही आए या गलत आए, इट डजेंट मैटर। इफ यू नो द लॉजिक, इफ यू नो हाउ टू गो अबाउट द क्वेश्चन, इफ यू इवन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज हाफ द बैटल वन। आधी जंग तुम जीत गए अगर तुम्हें समझ आ रहा है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद वाली बैटल कैसे फाइट होगी, उस लॉजिक पे आगे काम करने से, जिसके लिए शायद कभी तुम्हें फार्मूला लगे, कभी तुम्हें फार्मूला भी नहीं लगे, लॉजिकली तुम आंसर निकाल पाओ। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेगेटिव या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज, ठीक है? ऑल राइट गाइज, टाइम्स अप। आई होप आपने सभी ने कम से कम अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है, आई रिपीट अगेन, कि 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा अभी पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज माइनस 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है तो माइनस Ne, तो 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने मतलब मुझे फाइंड करना है N। E की वैल्यू मुझे पता है होती है 1.6 × 10⁻¹¹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 ¹
raised to power minus 19 कूलम. n अगर मुझे ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, n अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, which is ये 10 raised to power minus 19 ऊपर जाएगा तो होगा 10 raised to power plus 19 अपॉन 1.6. क्लियर? इस 10 raised to power plus 19 में से अगर एक 10 में बाहर निकाल लूँ तो कितना बचा, 10 raised to power plus 18.
अपॉन 1.6। ये जो चीज़ है होपफुली आप इसका डिवीज़न कर लेंगे। आप जब इसका डिवीज़न कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.25। बचा कितना? 10^18। ये क्या चीज़ थी? ये एन था। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात की जा रही है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 into 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सोचो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना कम होता है। 1.6 into 10^-19 इतना कम होता है कि जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे, 10^18 मतलब 1 और उसके बाद 18 जीरोज, जब हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे तब हमारा बनेगा कितना चार्ज? 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज। बात आई समझ? अब बिना पेन कॉपी के यूज़ करें मुझे बताओ कि 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज पे कितने प्रोटॉन होंगे? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज? यू हैव 5 सेकेंड्स टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज। आ गए आंसर? इजी है भाई। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम रहता है, मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम रहता है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है। तो अगर 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज मिलके बनाते हैं या 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज में भी इतने प्रोटॉन होंगे या नहीं? फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या चेंज आता फॉर्मूले में? यहाँ पे प्लस 1 आ जाता, यहाँ पे प्लस एन ही आ जाता। प्लस और प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया वैसे यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव है। तो एन इज इक्वल टू 1/1.6 × 10^-19। द सेम स्टोरी गोस। इसका अगला क्वेश्चन या इसका अगला एक्सटेंशन अगर मैं बोलूं तो मैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज। आंसर क्या होगा? आपको पता है इसका 2 टाइम्स कितना होगा? इसका 2 टाइम्स 6 का डबल होता है 12, 0.25 का डबल होता है 0.5। तो आंसर वुड बी 12.5 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज। 12.5 × 10^18 प्रोटॉन्स इन 2 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज। होपफुली ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। ईजी क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन पे बेस्ड है, लॉजिकल क्वेश्चन है। बात आई समझ? NTSC या और किसी एग्जाम के लिए आई वुड रिकमेंड कि ये जो फिगर है तुम याद कर लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि डेरिवेशन कैसे हो रहा है इसका। बट अगर MCQ आता है और तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना तो ये फिगर याद कर लो कि 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं, 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज इतने प्रोटॉन मिलके बनाते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं आगे आऊँ तो मैंने क्लास के शुरुआत में, इफ़ यू हैड नोटिस्ड, तीन हेडिंग्स लिखी थी। एक तो रीकैप, चार्जेस का एक्सटेंशन जो कि हमारा हो चुका है। 2 हेडिंग्स और क्या हैं? चार्जेस इन एन एटम और एंड व्हाई डज एन इलेक्ट्रॉन मूव, ठीक है। ये पार्ट जो है वो लेटर हम आंसर करेंगे। लेट अस आंसर दिस फर्स्ट और लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। NaCl क्या होता है भाई? What is NaCl? Yes, NaCl is nothing but sodium chloride. Correct? Chemistry यार बहुत सालों से पढ़ी नहीं। Now what is sodium chloride? It's common salt. Correct? Now अगर इसे मैं पानी में डालता हूँ या और किसी method से disintegrate करता हूँ, तोड़ता हूँ, तो आपको पता है इसमें से निकलता है Na plus और Cl minus। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस।
तो ये चार्जेस एन ए और सी एल पे डेवलप कैसे हुए इज माई क्वेश्चन। एन ए पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ और सी एल नेगेटिवली चार्ज कैसे हुआ, ये बहुत जल्दी बहुत ध्यान से हम समझेंगे, ठीक है? हो ये एग्जाम में नहीं आएगा बट चार्जेस समझने के लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है, बहुत जल्दी समझेंगे। एन ए एटम, एन ए का एटॉमिक नंबर कितना? 11। मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है एन ए एटम में, आयन की बात नहीं की जा रही। तो जो प्रोटॉन्स हैं इसके 11, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे जैसे कि हमें पता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? आउटर शेल्स में होते हैं। ये शेल का कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं दो क्लासेस के बाद फिर डिस्कस करूँगा, भूलना नहीं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? आउटर शेल में होते हैं। ऑक्टेट रूल पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? 2 8 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? दो इलेक्ट्रॉन इस शेल में, उसके बाद वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितना बचा? 2 प्लस 8 10, एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये है वो एक इलेक्ट्रॉन। तो अभी सोडियम एटम इज न्यूट्रल, वाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 11, जितना चार्ज प्रोटॉन का उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो 11 प्रोटॉन का जितना चार्ज होगा उतना ही 11 इलेक्ट्रॉन का होगा, दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो एन ए एटम वुड बी अ न्यूट्रल एटम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्लोरीन में क्या हो रहा होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? 2 8 7, 2 प्लस 8 10 प्लस 7 17, दो इलेक्ट्रॉन। एट इलेक्ट्रॉन्स, सेवन इलेक्ट्रॉन्स। अब थोड़ा पीछे जाओ अपनी पढ़ाई में, पिछले साल क्या हमने ये पढ़ा है कि आउटर मोस्ट शेल स्टेबल कब होती है? जब वो ऑक्टेट रूल को पूरा करती है, पढ़ा है या नहीं? तो यहाँ पे क्लोरीन एटम है जो कि न्यूट्रल है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम न्यूट्रल है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या आउटर मोस्ट शेल को अच्छा लग रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके आउटर मोस्ट शेल को अच्छा लग रहा है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं। इन्हें अच्छा कब लगेगा? जब इसका ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो ये शेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका आउटर मोस्ट शेल ये बन जाएगा। जब इसका आउटर मोस्ट शेल ये बन जाएगा तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये स्टेबल होगा, सोडियम यही तो चाहता है। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? जब तक कोई लेने वाला नहीं है ये देगा क्यों भाई, वो देगा कहाँ पे? क्लोरीन की कहानी सुनता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 77 इलेक्ट्रॉन्स। क्या वो चाहता है 7 रहे? नहीं, वो लालची है, ही इज ग्रीडी। वो चाह रहा है कि कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक मिल जाएगा तो मुझे आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 7 प्लस 1 8 इलेक्ट्रॉन्स और मैं स्टेबल बन जाऊंगा। यार सभी लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, पढ़ाई क्यों करना है? अच्छी जॉब लगे, अच्छा घर हो, हॉबीज जो भी है, तुम्हें गाड़ी लेना है, अच्छा खाना खाना है, वो सब फुलफिल हो, तुम्हारी लाइफ स्टेबल हो जाए। दैट इज ऑल वी वॉन्ट, दैट इज वॉट आई वॉन्ट, दैट इज वॉट यू वॉन्ट, दैट इज वॉट सोडियम एंड क्लोरीन वॉन्ट। दे वॉन्ट स्टेबिलिटी। सोडियम चाहता है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्लोरीन चाहता है एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके घुस जाए, इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाए। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब दोनों पास आएंगे, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि कोई गेन करने के लिए है, वो कौन है? क्लोरीन। तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ पे आ गया? क्लोरीन में। ये रिएक्शन के पहले
इसमें 11 पॉजिटिव चार्ज थे प्रोटॉन, 11 नेगेटिव चार्ज थे। इसमें पहले 17 पॉजिटिव थे, 17 नेगेटिव थे। ये एक्सचेंज होने के बाद क्या हो गया? इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया 10, इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया कितना 18। यहाँ पे नेट चार्ज की बात की जाए सोडियम में तो क्या होगा? 11 माइनस 10, चार्जेस आर एडिंग अलजेब्रिकली, कितना आया? +1। इसकी बात की जाए तो 17 माइनस 18 कितना आया? -1। दैट इज हाउ आयंस गेट चार्ज। सोडियम कहाँ है? ये प्लस। क्लोरीन कहाँ है? ये माइनस। तो Na+ लिखा है, मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन नेगेटिव लिखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। हमें यहाँ पे क्या दिखा? हमें यहाँ पे दिखा कि चार्जेस का जो ट्रांसफ़र है वो होता है नेगेटिव चार्जेस का, नॉट पॉजिटिव चार्जेस। प्लस और माइनस जो आता है वो आता है ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आगे तुम्हें रियलाइज़ होगा, 11th 12th में तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये सब कुछ रेलेवेंट था। एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा तुम्हें, बट यू नीड टू नो दिस। इसी का एक्सटेंशन है ये क्वेश्चन, वाई डज अ नेगेटिव चार्ज मूव? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता। वाई? आई हैव टू रीजन्स फॉर यू। पहला रीजन है, जैसा कि तुम फिगर में से देख पा रहे हो, क्या है वो रीजन? कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर शेल्स दैट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर देर आर वेरी 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 स्ट्रांग फोर्सेस। तो न्यूक्लियस में से कुछ भी बाहर निकलना इज़ वेरी 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 टफ। एटम बॉम्ब में क्या होता है? न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो भाई हमें एटम बॉम्ब नहीं बनाना है, हमें नॉर्मल केमिकल रिएक्शन कराना है। तो निकालने की ईज किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, वहाँ से कुछ भी निकालना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली अनस्टेबल। तो निकलने के चांस किसके ज़्यादा हैं? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाला जा सकता है। वो स्केल और पेपर वाला एग्जाम्पल याद है जो पिछली बार डिस्कस किया था? जब भी तुम स्केल को बालों में रब करते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है बिटवीन हेयर एंड योर स्केल। तो इतना ईजी है कई कई सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, सिर्फ रबिंग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज वाई देयर यू नो मूवमेंट इज मच मोर ईजियर एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। दूसरा रीज़न क्या होगा? ये तुम्हारा होमवर्क भी है, हम पिछली क्लासेस में पढ़े हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास। एग्जैक्ट मास में तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें आज जाके फाइंड आउट करना है। बट अप्रॉक्सीमेटली जो प्रोटॉन है अ प्रोटॉन इज 1800 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे कमरे में एक बहुत बड़ा पत्थर का बॉल रखा है, लेट्स से इट इज 1000 kg, और एक छोटा सा पिंग पोंग बॉल है, टेबल टेनिस का बॉल है। तुम्हें दोनों को मूव कराना है, किसे मूव कराना आसान होगा? ऑब्वियसली पिंग पोंग बॉल को, क्योंकि वो लाइटर है। तो लाइट ऑब्जेक्ट को मूव कराना इज मच मोर ईजियर, मच मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू मूविंग अ हेवियर ऑब्जेक्ट। तो अगर मूवमेंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन जो कि 1800 टाइम्स लाइटर है, उसका मूवमेंट इज मच मोर ईजियर, मच मोर पॉसिबल एज कम्पेयर टू अ प्रोटॉन। तो ये दो रीजंस हैं, अगेन एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट यू शुड नो, वी आर स्टडिंग कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, यू शुड नो। तो दो रीजंस के, जब भी हम इसके बाद अगली क्लास से चार्जेस की बात करेंगे जो कि वायर में फ्लो हो रहे होंगे,
तो वील ऑलवेज हैव इन द बैक ऑफ आवर माइंड दैट इट विल बी अ नेगेटिव चार्ज, मतलब इट विल बी एन इलेक्ट्रॉन। तो ये आज की क्लास में फाउंडेशन ले किया गया है कि आगे तुम जब भी अगली तीन क्लासेस में बात करोगे, तीन क्लास मतलब 10th, 11th, 12th, के करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, चार्जेस आर मूविंग, इट विल मीन दैट नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मच मोर लाइटर, लाइट ऑब्जेक्ट का मूवमेंट फास्ट होता है। रीजन नंबर टू, इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर शेल्स, तो उनका निकलना मूवमेंट के लिए उन्हें पहले इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलना पड़ेगा, तो एटम से उनका बाहर निकलना इज मच मोर ईजियर एज कम्पेयर टू अ प्रोटॉन विच इज इनसाइड अ न्यूक्लियस। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, चार्ज की हमारी सारी कहानी ख़त्म हो चुकी है, अगली क्लास से हम करंट शुरू करेंगे। करंट इज़ वेरी वेरी ईजी, करंट का जानना बहुत ज़रूरी है ओम्स लॉ जानने के लिए, वोल्टेज का जानना बहुत ज़रूरी है ओम्स लॉ जानने के लिए। तो जैसे कि पहले बताया, कोई भी क्लास वी कैंट अफोर्ड टू मिस। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं, होपफुली ये जो आज की बेसिक फाउंडेशन क्लास है वो हो गई होगी। करंट से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएगा, डेफिनेशन भी आएगा, तो होपफुली वी विल ऑल बी रिवाइज्ड एक्टिव इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू, बाय बाय।